लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई वासी की एकता और श्रद्धा नामक इन जर्जर इमारतों के पुनर्विकास का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे की शिकायत पर जब से महानगर पालिका ने इन दोनों सोसाइटियों के विकासक अरिहंत बिल्डर्स और ईबी होम्स को नोटिस भेजा है, तब से मामला और भी गर्मा गया है। रहवासी बिल्डरों और सोसाइटी पदाधिकारियों से इस धांधली पर सवाल पूछ रहे हैं। आज इस पर अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स के सीएमडी अशोक शाजेड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और सफाई देते हुए कहा कि पुनर्विकास की कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सीसी ली गई है, इसलिए कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हुआ है। उन्होंने रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे के शिकायत पर जवाब देते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सीसी लेने और एग्रीमेंट में धांधली के सभी आरोप निराधार हैं। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। रीडेवलपमेंट की प्रणाली में कोई भी टाइप की अनियमितता नहीं हुई है और रीडेवलपमेंट के सारे प्रोसीजर्स को बहुत सरकार के जो बनाए हुए प्रोसीजर्स है उसको कंप्लीट करके ही सीसी ली गई है। इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई ना घोटाला है ना स्कैम है। मिस्टर मिर्जे उन लोगों को समक्ष लेके आए, उस कंपाउंड में लेके आवे, उस समक्ष लेके आवे और कैमरा और मीडिया के सामने बताएं कि भाई इन लोगों को ये ऑब्जेक्शन है, ना कि किसी के आवेदन पत्र पे ऊपर, ना किसी की बातों में आकर। जो वो बोल रहे हैं कि कोई उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ धांधली हुई है, उनके अधिकारों का कोई गबन हुआ है, वो उनको सिद्ध करना होगा कि लोगों के लिए कौन सा वो न्याय करना चाहते हैं। जो लोगों ने उनसे एप्लीकेशन दी होगी या जिनकी बातें उन तक पहुंची होगी, वो तो अगर अन्याय है तो वहां रहने वाले लोगों के ऊपर अन्याय है। बताना जरूरी है कि रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे और एडवोकेट एसपाल ओहोल ने राज्य के नगर विकास मंत्री, मुख्यमंत्री और मनपा आयुक्त को शिकायत देकर पुनर्विकास में धांधली का संगीन आरोप लगाया है। केंद्रीय आवासन राज्य मंत्री को भी शिकायत की गई है, जिसके बाद महानगर पालिका आयुक्त ने यहां के ट्रांजिट कैंप की सीसी रद्द कर दी है। वहीं सैंपल फ्लैट और अवैध होर्डिंग के खिलाफ भी नोटिस जारी की गई है और जवाब मांगा गया है। इस पर अरिहंत के सीएमडी अशोक शाजेड़ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत पर भेजी गई नोटिस फिलहाल उन्हें नहीं मिली है। शाजेड़ ने अवैध होर्डिंग के सवाल पर कहा कि यह चार इमारतों का प्रोजेक्ट 1500 करोड़ का है, इसलिए रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद मार्केटिंग शुरू की गई, इसमें गैर कानूनी क्या है। हालांकि अशोक शाजेड़ यह बोलना भूल गए कि मामला मार्केटिंग का नहीं बल्कि अवैध होर्डिंग का है, जिसके खिलाफ नोटिस जारी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की शिकायतें हो रही हैं वह पुनर्विकास में बाधा पहुंचाने की कोशिश है, इससे रहवासियों का नुकसान होगा जो उचित नहीं है। 1500 करोड़ रुपया लोगों से, ग्राहकों से लाने के बाद किसी का घर बनेगा? कोई अपने घर से नहीं बनाएगा। तो 1500 करोड़ रुपए का काम अगर चार प्रोजेक्ट बन के करना है तो एडवर्टाइजिंग करना कौन सी दुनिया का गलत काम है? हमारे रेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमने एडवर्टाइजिंग की है और हम रेरा रेगुलेटर के हिसाब से आफ्टर रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद में हमारे पास अधिकार है सीसी मिलने के बाद में कि उसको मार्केटिंग करे, उसको बेचे। कि उन्होंने सिर्फ मीडिया में आके सारे शहर के सभी निवासियों तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाई है और हम भी वही स्पष्टीकरण उन सभी लोगों को वापस करना चाहते हैं कि भाई आप देखें इस बातों में ना आवे। लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको, उनका पूरा बहुमत है हमारे साथ, उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर रीडेवलपमेंट में घर बेघर कर घर से बाहर निकाला जाएगा तो अरिहंत उनको वापस उनका नया घर जरूर देगा। फिलहाल पुनर्विकास के धांधली के आरोपों पर बिल्डरों ने अपनी सफाई तो पेश कर दी है। अब देखना होगा कि महानगर पालिका इन तमाम शिकायतों पर और अपनी नोटिसों पर क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।